हम बुढ़ापे में जब आते हैं 60-70 के आसपास, तो थोड़ा बहुत आत्मज्ञान के बारे में कुछ पता चलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जवानी में आदमी अच्छी तरह से कैसे रहे इसके बारे में ज़रा ज्ञान दीजिए। इसके लिए वो सत्संग का एक परिचय होना चाहिए, क्योंकि जवानी में पैसे कमाने जाते हैं, शादी होती है तो थोड़ा धनीपना आ जाता है, मैं हस्बैंड हूँ और विषय विकार का मोह हो जाता है, मैं अभी इंजीनियर हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैंने शादी किया, अभी मुझे कौन, स्वच्छंदी थोड़ा हो जाता है, मैं कुछ भी कर, मेरी लाइफ मेरे हाथ में, मुझे कोई देने की सलाह देने की ज़रूरत नहीं। और बड़े वडील जो है, बुजुर्ग माँ बाप है या सास ससुर है या हमारे कोई वडील है, कुछ बताएंगे, तुम्हारे ज़माने की बात नहीं चलेगी, ये अभी मॉडर्न युग है। तो ये कोई सत्संग मिले, सत्संग समागम मिले, कोई संत मिले, कोई गुरु मिले, तो कुछ गाइडेंस मिल सकता है उसको। या तो ये सत्संग में आते हैं दादा भगवान के, तो उसको जीवन जीने की दृष्टि मिलती है, जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, हम जीवन जीते हैं उसमें क्या हमारी गलतियां हो जाती हैं। तो ये सब सच्ची समझ मिलने से आदमी उल्टे रास्ते से सीधे रास्ते पे चढ़ सकता है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर कोई उसको उल्टा करे तो भी वो खुद सीधा करेगा उसको, कोई उसको परेशान करता है तो भी वो टकराएगा नहीं, टकराव टालेगा, एडजस्ट एवरीवेयर होते जाएगा। तो ये ज्ञान दृष्टि ही मुख्य आधार है, तो ही जीवन सीधे यानी सदुपयोग कर सकेगा जीवन में। हुआ है मुंबई वासियों का पुण्योदय और मनाए जा रहे हैं दो अति महत्वपूर्ण महोत्सव एक साथ, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और 112वां जन्म जयंती महोत्सव। त्रिमंदिर का स्थल है ऋषिवन अभिनव नगर रोड, काजूपाड़ा, बोरीवली ईस्ट, मुंबई, और चिकुवाड़ी प्लेग्राउंड, कांति पार्क रोड, सेंट रॉक्स कॉलेज के सामने, बोरीवली वेस्ट में सर्जन होगा एक भव्य आनंद नगरी का। आप सभी को सह परिवार पधारने के लिए भावपूर्ण निमंत्रण है। जय सच्चिदानंद।